तो गाइज अपन जो पहुंच चुके थे दिल्ली कल दिन में 12:30 बजे पहुंच चुके थे। मैंने पिछला व्लॉग जो है बाइक पे एंड किया। अब रूम आप लोगों को पीछे दिख रहा है, ये अपना रूम है दिल्ली के अंदर करोल बाग में रुके हुए अपन। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को कहा था करोल बाग में जो है अपने बहुत सारे काम है, बहुत सारे तो क्या एक दो ही काम है थोड़ा बाइक वाइक को लेके। तो उस बेस पे आज का ये व्लॉग होने वाला है, छोटा सा होगा, सिंपल होगा बहुत, बट एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है कि क्यों मैं वो सब चीजें मेरे बाइक पे यहां से करा रहा हूं एंड व्हाई डिडंट आई चूज पुणे फॉर दैट। मतलब जो सारी चीजें आज यहाँ से करने वाला हूँ मैं, वो पुणे से क्यों नहीं करा के आया, ये आज आपको ये व्लॉग में पता चलेगा। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। रूम भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है अपना छोटा सा, मैंने एक वर्क डेस्क बना रखा था, चेयर अपन ने मंगा ली थी रूम सर्विस से। यहाँ जो है अपन ने बैठ के एडिट किया पूरा व्लॉग। ये अपन और अपना मिरर, ये एक छोटा सा क्लोजेट मिल जाता है आपको जहाँ अभी मैंने मेरे रेन गियर्स डाल रखे हैं। ये है भाई रूम और ऋषि भाई। तो ये जो बंदा है इंदौर टू दिल्ली के जो पैच में थोड़ा बहुत थक गए थे, ये क्या भाई मैं भी थक गया था। कैपेसिटी उतनी थी ऑलमोस्ट अराउंड 875 किलोमीटर हम लोग ने विद इन 24 आवर्स मारा, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा। और ऋषि कुछ कहना चाहेंगे आप बताइए। बिल्कुल यार, मैं यही कह रहा था विक्रांत भाई को और सभी को यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी करिए भाई, रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एग्जैक्टली, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है आज भी दिल्ली में रुकने वाले हैं। ये सारे काम एक्चुअली कल ही हो जाने चाहिए थे, बट कल इतने ज्यादा ड्रेन्ड आउट थे हम लोग, क्या बताऊं। चलो एनीवेज, आज का दिन चालू करते हैं, आज का व्लॉग चालू करते हैं। रूम आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, रूम से याद है, ये रूम हमको पड़ा है 1500 रुपए का। एक्चुअली उसने चालू 2000 से किया था, बट हम बार्गेन करने में बहुत ज्यादा ही माहिर है, हम यानी सनी भाई बहुत ज्यादा ही, मतलब उन्होंने बार्गेन करके लेके आए। 1500 में मिला दो लोगों का, तो वो स्प्लिट होके अराउंड 750 पर पर्सन में हो जाता है। बस इतना ही है, आज का व्लॉग चालू करते हैं, आज का दिन चालू करते हैं। व्लॉग्स ऑन द गो आ रहे हैं, होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी एडिटिंग ऑन द गो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ऑन द गो में जो आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूँ कंटेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑन द गो ही मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो बात। ज्यादा बातें हो गई, निकलते हैं और चलते हैं। और एक एसेंशियल चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गया भाई, कि हम लोग जो है करोल बाग में ही रुके हुए हैं, और करोल बाग में इसीलिए क्योंकि हमको काम कराना था। ऐसे हम लोग प्लान करते हैं कि भाई जहाँ काम कराना है हम लोग वहीं जो है होटल ले लेते हैं अपना, कि काम भी फट से हो जाए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो वॉक करके जाएंगे, रेट्स वेट्स पता करते हैं। मेजर चीज जो मुझे लगवानी है मेरे बाइक पे है जेरी कैन। तो जेरी कैन का सीन इतना ही है कि जो ऊपर हम लोग जो पहाड़ों में राइड करने वाले हैं वहाँ बहुत जगह पेट्रोल पंप्स जो है नहीं होते, तो बस अपना सीन इतना ही बनता है कि जेरी कैन जो है अपने को 5-5 लीटर का कैपेसिटी दे देते हैं पेट्रोल का। इसीलिए अब रेट्स पहले पता करते हैं जहाँ भी अच्छी क्वालिटी का सस्ते में मिल जाए, क्योंकि करोल बाग है, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि करोल बाग यहाँ का जो है चीपेस्ट बाइक मार्केट और ऑटोमोबाइल मार्केट है, तो मजा आने वाला है। चलो चलते हैं। एग्जैक्टली हम लोग करोल बाग के बीच में खड़े हैं, यहाँ भी करोल बाग है, यहाँ भी करोल बाग है, यहाँ भी करोल बाग है। अब ये सेक्शंस डिवाइडेड है, यहाँ बेसिकली कार एक्सेसरीज है, यहाँ बाइक एक्सेसरीज है, यहाँ भी बाइक एक्सेसरीज ही दिख रही है मुझे दूर दूर तक। तो हम लोग चल के इसीलिए आए हैं क्योंकि पहले जैसे कि मैंने बोला आपको रेट्स जो है पता कर लेते हैं, फिर जिससे कि समझ में आ जाएगा कहाँ से लगवाना है। तो एक साथ ही बाइक लेके सनी भाई को भी लगवाने है, ऋषि को भी लगवाने और मुझे भी लगवाने, तो एक साथ ही आ जाएंगे और एक साथ ही काम डन हो जाता है। पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दुकानों की, जिससे कि अपने लिए फ्यूचर में थोड़ा आसानी हो जाए। तो अभी जो है हम लोग जो है दुकान दुकान भटक रहे हैं, भटक नहीं रहे, इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कितना रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बस दुकान दुकान देख रहे हैं कि क्या फाइनल बेस्ट रेट मिल रहा है। अभी तक जो है हमको जेरिकेन्स दिखाए उन्होंने, जो हमको चाहिए लॉन्ग हॉल के आते हैं वही हम लोग को, जो जेरिकेन्स हिमालयन पे लगते हैं और इसके डोमिनर पे भी लगेंगे। अभी तक जो रेट फाइनल मिला है, एक दुकान से 4600 मिला है और एक दुकान से 4500 मिला है विद लॉक्स एंड विद फिटिंग। तो पूना में भी हमको ज्यादा कुछ फर्क आ नहीं रहा था, फ्रेंकली पूना में भी हम लोग को ऑलमोस्ट अराउंड 5000 का मिल रहा था विद फिटिंग विद लॉक। तो 500 रुपए के लिए आई डोंट थिंक, इसीलिए हम लोग जो है और शॉप देखना चाह रहे हैं कि और ऑप्शंस थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इससे वही बेहतर रहेगा अपने लिए। क्या बोलते हैं ना, ऑलवेज इकोनॉमिकल चलना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिप अपने को ही करनी है और मजे भी अपने को ही करने हैं और जेब से पैसे भी अपने ही जा रहे हैं। तो और घूम रहे हैं अभी करोल बाग की सड़कों पे और बताते हैं आप लोगों को। गाइस सीन ऐसा है, अभी और एक बात हमको पता चली है, यहाँ और एक ट्विस्ट आ जाता है थोड़ा सा कहानी में। थोड़ी जगह पता करने के बाद हमको समझ में आया कि जेरी कैंस जो है रेंट पे भी मिलते हैं। तो अभी मैं तो मतलब अभी फ्यूचर राइड्स करने ही वाला हूँ, तो मैं तो परचेस करने वाला हूँ, बट ये बोल रहा है कि अभी इसके लिए तो ये साल की एक ही राइड होने वाली है, तो वो सोच रहा है कि रेंट कर ले। रेंट जो है 1000 रुपए का है। अब मैं उसको जो है ये कह रहा हूँ कि रेंट की चीजें जो होती है वो इतनी ड्यूरेबल और क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ लीकेज के चांसेस, कितने कितने लोगों ने कैसे यूज किया होगा,
किसको पता। तो बस इतना ही सीन है, देखते हैं अभी हम लोग को 3-4 रेट मिल गए हैं। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज गोइंग बैक टू द रूम, शाम को बाइक्स लेके आएंगे, बाइक धुलवानी भी अपने को जैसा कि मैंने आपको बोला। बस करोलबाग का यही मार्केट है पूरा अपना। तो सीन इतना सा है, अभी हमको जो है मोटा मोटी आइडिया आ गया है कि इतने पैसे जो है अपने लगने वाले हैं। सेकेंड ऑफ ऑल दिल्ली की गर्मी बहुत ज्यादा ही है, आप देख सकते हो, मतलब हम लोग ज्यादा देर घूमे नहीं है और मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, पसीना आ गया है, 1 लीटर पानी खत्म भी हो गया है घर में अभी। हाँ रूम में तो भाई एसी है ना, इसीलिए नहीं हुआ, बट इधर जो है हम लोग वॉक के लिए निकले थे गर्मी में, बैड डिसीजन। तो बस अभी समझ आ गया है कि मोटा मोटी कितना पैसा लगने वाला है अपने को। अभी जो है सनी भाई सो रहे हैं रूम पे, तो वो जब उठेंगे तो फिर उनके साथ ही जो है अपने को, क्योंकि उनके बाइक पे भी लगवाना है, तो हम दो पहले लगवा ले वो लगवा ले, इसे बल्क में खरीदते तो डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। बस अभी का यही सीन है, हम लोग रूम पे जा रहे हैं और आगे का प्लान जो भी बनता है मिलते हैं सीधा आगे के, जो भी प्लान बनता है उसपे। तो भैया 2 घंटे बाद अपन थोड़ा बहुत आराम करके, ये सर जी जो है अभी उठे हैं, नींद वींद लेके आराम से, रात भर बंदा जॉब में है, काम करते हैं। अभी बाइक जो है सबसे पहले तो धुला लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मिट्टी और एकदम आप देख सकते हो यहाँ इतने सारे मच्छरों का कत्ल हो रखा है, कतई खून वून लगा हुआ है, तो ये धुलवाना है पहले। और उसके बाद जो है जेरी कैन का बंदोबस्त करेंगे जो अपन सुबह जो शॉप देख के आए, बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं। तो जैसा कि अपन जो है सुबह गए थे, यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, कतई गली के पीछे ही है करोलबाग, तो चलते हैं भाई और कराते हैं अपना काम, क्योंकि काम के बिना अपन जो है दिल्ली छोड़ नहीं पाएंगे, तो चलना ही पड़ेगा। तो भैया अपन जो है आ चुके हैं दुकान में जो अपन ने सुबह देखी थी, और जो जेरी कैन है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, रेड कलर के जेरी कैन जो है अपन अपनी गाड़ी पे लगा रहे हैं। अपनी गाड़ी फिलहाल के लिए बाहर है, पर वो अभी जो है यहाँ आ जाएगी, तो गाड़ी में काम जो है अपना अंदर ही हो जाएगा आज। अब बस वो रैंप लगा रहे हैं जिससे कि गाड़ी ऊपर आ जाए और फिर काम चालू करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक मेजर प्रायोरिटी पे जो है काम है जो होना चाहिए खत्म। तो गाड़ी एक बार ऊपर आ जाए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकी। तो गाइस जो है अपना काम जो है चालू हो गया जेरी कैन लगाने का, तो उसके बाद जो है गाड़ी अपनी ऐसी दिखेगी। तो गाइस जेरी कैन जो है दोनों बाइक्स पे लग गए, यहाँ दो और यहाँ दो करोलबाग में। अब जाके मेरा जो काम खत्म हुआ है, रात के 10 बजे हैं एक्चुअली, थोड़ा बहुत इशू हो रहा था उसके फिटिंग में, थोड़ा बहुत जुगाड़ किए हैं, अब देखते हैं लद्दाख में चलता है कि नहीं। ये जो दुकान है सैंस मोटर शॉप करोलबाग के बीच में ही है कतई, तो आप लोग अगर एड्रेस डालोगे इनका ऑनलाइन स्टोर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं अभी रूम पे जाने, क्योंकि 10 बज रहे हैं और हमको सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो देखते हैं अब कैसा होता है, बाइक तो पूरी तैयार है, बस एक धूली नहीं है, तो उसका भी एक दिक्कत ज्यादा हो गया। मैंने सोचा था अगर टाइम से काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे आए थे, अब बज रहे 10, तो मेरे को लगा था हो जाएगा, क्योंकि करोलबाग जो है 8:30-9 बजे तक पूरा ऑफ हो जाता है। चलो एनीवेज राइड पे ये सब चीजें होती ही है, ये सब एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। द ओनली की इज दैट यू कैन कीप पेशेंस, पेशेंस के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप चिल्ला चिल्ली करोगे या कुछ भी करोगे आपका कोई काम बनने नहीं वाला है, झगड़े से कोई काम सुलटते नहीं है, जो होता है आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या होता है पेशेंस आपको दिखाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ और राइड में दोनों में। तो बस इतने से ही है बात, अब चलते हैं होटल रूम में। जो है अपन रूम में आ चुके हैं, टाइम आप देख सकते हो 11:26 हो रहा है रात का, कल जो है हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर। अभी कितना किलोमीटर मार पाते क्योंकि पहाड़ चालू होने वाला है, कम किलोमीटर्स कवर होंगे थोड़े दिनों में, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है अभी ये देखो, ये जो पसारा है इसकी कुछ ज्यादा दिक्कत है, मतलब यहाँ कोने में भी चीजें पड़ी हैं। तो अभी जो है अपने को ये सब समेटना है और कल सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग निकलना है अपने को। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही पसारा है पूरे रूम में, तो इसको फट से जो है समेटते हैं, इसी ब्लॉग के अंदर समेटेंगे, जिससे कि जो कल का ब्लॉग होगा वो प्रॉपर ऑफिस से ट्रेवल ब्लॉग होगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो यार ऑन द गो, मतलब अपनी वीडियो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो थैंक यू वेरी मच उस चीज के लिए भी। कल जो है हम लोग फिर से बाइक पे मिलेंगे, तो इंस्टाग्राम पे इससे भी ज्यादा लाइव चल रहा है यहाँ व्लॉग, एक्चुअली एक दिन लेट चल रहा है और इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली मैं अपडेट करता हूँ, तो कंसिडर फॉलोइंग माय इंस्टाग्राम, लिंक ये आ रहा है, मेरा हैंडल ये आ रहा है, मतलब
बाकी बस अभी ये सब समेटते हैं, रूम को एकदम फट से जो है पैकिंग करते हैं, और फिर अपना खाना भी आके यहाँ पड़ा हुआ है ऑर्डर का। अपन कब खाएंगे ये सब का कुछ अता पता नहीं है। व्लॉग्स जो एडिट करने में मजा भी आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ये है कि मैं डालूंगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए जो है फट से ये व्लॉग भी मुझे अभी एडिट करना है, तो रात को 1-1.5-2 बज जाएगा मुझे सोते सोते। ये समेटते हैं फिर मिलता हूँ। तो गाइस टेक्निकली जो है अपना ऑलमोस्ट सारा सामान समेट लिया है मैंने, बस एक जो लैपटॉप है वो उस बैग के अंदर जाना बाकी है, बाकी सब कुछ सेट है। ऋषि जब आएगा वो बाहर गया है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, वो आएगा तो वो उसका सामान करेगा पैक। अपन तो पूरा सेट हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11:40, तो अपना जो काम है अभी बचा है सिर्फ खाना खाने का और वहां वीडियो एडिट करने का। तो होप करता हूं आप लोगों को एक छोटा सा व्लॉग जो कि था अपन ने जेरी कैन लगाया, जेरी कैन मुझे यहां अराउंड 4200 के पड़े, बोथ द जेरी कैंस विद द फिटिंग। ये पुणे में मेरे को अराउंड 5500-6000 तक पड़ रहे थे, इसलिए जो है मैंने यहां आके लगाया। और सेकंड रीजन जो था पुणे में नहीं लगाने का वो ये था कि भाई उधर से लगा के यहां तक आए, पॉइंट बनता नहीं क्योंकि यहां पूरा हाईवे है, पेट्रोल अवेलेबल है। यहां इसीलिए लगा लिया क्योंकि ऊपर नहीं मिलता है, वैसे तो श्रीनगर साइड पूरा है पेट्रोल पंप, हमको या एक या दो जगह जहां मेजरली जो 600-700 किलोमीटर का पैच है जहां पेट्रोल नहीं मिलता है, उस चीज के लिए बेसिकली लगाया गया है। बाकी इस वीडियो को मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा रैंडम बनाया है आप लोगों के लिए कि भाई करोलबाग होता क्या। बेसिकली जो है डे 3 का मैंने व्लॉग किया है कि इतना सा था डे 3 अपना, बहुत ही टायरिंग था, 6 घंटे लग गए अपने को। मेरी हालत आप शक्ल से देख सकते हो कि मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। अभी जो है एडिटिंग करनी है, बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ। बाय बाय। राइड हार्ड राइड सेफ।